देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। जांजगीर चांपा के सिमरिया गांव में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है। इसमें पामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे और एएसआई शिवचंद्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को पामगढ़ अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद बिलासपुर अपोलो रेफर कर दिया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर निकोलस कलखो के नेतृत्व में थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे, एएसआई शिवचंद्रा और 4-5 पुलिसकर्मी सिमरिया गांव के सबरिया डेरा में शराब पकड़ने गए थे। यहां पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक महिला को हिरासत में लिया और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर आ रहे थे। डीएसपी की टीम के साथ चार पहिया वाहन में आरोपी महिला को लेकर आगे बढ़ गए थे। वहीं थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे एएसआई शिव चंद्रा बाइक से आ रहे थे, तभी आरोपी महिला के परिजन पहुंचे और डंडे से थाना प्रभारी और एएसआई को बीच रास्ते में रोककर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इधर घटना के बाद एडिशनल एसपी अनिल सोनी पुलिस फोर्स के साथ पामगढ़ के सिमरिया गांव पहुंचे। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।